गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, वी वर ऑन चैप्टर नंबर 6, दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी उसमें। सबसे पहले बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके बाद यूज़र इंटरफेस पढ़ा था हमने, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ टू यूज़ अ माउस। ठीक है, अब हम आज ये देखेंगे कि माउस से क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट एंड क्लिक देन लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को पॉइंट करना और क्लिक करना। टू सेलेक्ट एन आइकन, वंस यू सेलेक्ट द आइकन इट इज़ हाईलाइटेड। किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए हमें पहले आइकन को क्या करना है, जब आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हाउ एवर दिस डज नॉट इनिशिएट द एप्लीकेशन एसोशिएट विद द आइकन। मतलब कि हाईलाइट तो हो जाएगा पर ऐसा नहीं है कि वो खुल जाएगा, उसको हमें दो बार क्लिक करना पड़ेगा तब जो है क्या करेगा वो एक्शन कंप्लीट होगा, तब वो फोल्डर जो है, जो आइकन वो खुलेगा। पॉइंट एंड डबल क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन इनिशिएट्स। अब ये डबल क्लिक करके पॉइंट करके क्या करना है, देखिए एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद द आइकन, दिस आइकन, दिस एक्शन अकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। द माउस पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप टिल द एप्लीकेशन स्टार्टेड। इट मीन्स कि जब आप पॉइंट करके सिंगल क्लिक करते हैं तो केवल जो आइकन है वो केवल हाईलाइट होगा, है ना, ओपन नहीं होगा, वो स्टार्ट नहीं होगी एप्लीकेशन। लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो माउस का पॉइंटर भी चेंज हो जाएगा और वो आइकन जो है वो ओपन भी हो जाएगा। क्लिक द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर ऑफ अ विंडो। किसी भी विंडो के बॉर्डर पे पॉइंटर को क्लिक करना। ठीक है, देखिए टू रिसाइज और मूव द विंडो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन एन आइकन एंड ड्रैग और मूव द माउस टू द डिजायर्ड लोकेशन। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आइकन को ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक करके किसी भी आइकन पे उसको वहां से ड्रैग करके और उसको दूसरी लोकेशन पे कहीं पर भी जहां आपको उसको ड्रैग करके ले जाना है वहां ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे विंडो पे, फॉर एग्जांपल ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन है और यहां पर कोई आइकन है एंड यू वांट टू चेंज द लोकेशन एंड यू वांट टू पुट द आइकन हियर, तो यू विल व्हाट विल यू डू, यू विल पॉइंट आउट हियर एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस द माउस बटन एंड देन ड्रैग इट फ्रॉम देयर टू हेयर। इसको आप ऐसे क्या करके लाएंगे, ड्रैग करके एंड देन यू विल ड्रॉप हेयर, तो इट विल चेंज द लोकेशन ऑफ द आइकन। द माउस पॉइंटर एक्वायर्स डिफरेंट शेप एज पर द टाइप्स ऑफ इट इज, दैट इज वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजॉन्टल रिसाइज, डायगनल रिसाइज एंड मूव पॉइंटर। इट मीन्स कि जो माउस का पॉइंटर है उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप्स चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द रिसाइज ऑप्शन। जैसे वर्टिकल रिसाइज है, वर्टिकल रिसाइज इस तरीके से जो रिसाइज करेंगे, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रिसाइज करेंगे और डायगनल इस तरीके से जो रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो उसका माउस का पॉइंटर जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अब है पॉइंट एंड क्लिक द राइट माउस बटन। अब राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे कैसे, देखिए टू डिस्प्ले द एसोसिएटेड शॉर्टकट मेन्यू और एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज अटैच विद द आइकन। आइकन की, किसी भी आइकन की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर उसके लिए जो कुछ शॉर्टकट मेन्यूज दे रखे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है राइट क्लिक करना है, देन यू राइट क्लिक द माउस बटन, तो एक यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है, इसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं। अब है यूजिंग अ कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ मेन्यू बाय ऑल्ट की। ऑल्ट की जो होती है ना, उससे मेन्यू का एक्टिवेशन कैसे होता है, ऑन प्रेसिंग ऑल्ट की इज हाईलाइटेड द फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन डिस्प्लेड इन द एप्लीकेशन
विंडो, जब आप ऑल्ट की को प्रेस करते हैं ना, ऑल्ट की किससे, बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन होता है ना, करेंटली विंडो का जो भी एप्लीकेशन खुली है उस विंडो का जो फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन होगा वो खुल जाएगा यूजिंग शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करनी है, एवरी मेन्यू ऑप्शन हैज़ स्टार्ट शॉर्टकट कीज एसोसिएटेड विद इट। देखो हर एप्लीकेशन में जितने भी मेन्यूज़ होते हैं ना, तो उनकी क्या होती हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। इट मीन्स कि आपको एप्लीकेशन में डायरेक्ट जो है माउस से क्लिक करके उसको मेन्यू को नहीं क्लिक प्रेस करना है या मेन्यू को नहीं खोलना है। यू कैन डू दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ दीज गिविन शॉर्टकट कीज़, यू कैन डायरेक्टली यूज़ दैन शॉर्टकट कीज़। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट, अब आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो मान लीजिए आप एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू में जाएंगे तब आप न्यू में ओपन करेंगे, तो लेकिन उससे बेटर है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल की और एन की को अल्फाबेट की में जो होती है ना एन, तो कंट्रोल और एन को एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नई फाइल ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से सेविंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कंट्रोल Alt F4 से एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल पी से क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा डॉक्यूमेंट का कोई भी पार्ट, कंट्रोल एक्स से कोई भी पार्ट कट कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्टिंग, वी जो होता है पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल वी। अब देखेंगे इसके जो है क्या क्या कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। इन विंडोज़ ईच प्रोग्राम रन इन अ विंडो, विंडोज़ में हर प्रोग्राम किसी ना किसी विंडो में तो रन करता ही है ना, चलता है, इसका मतलब चल रहा है जहाँ वो। एट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डेस्कटॉप एंड वेरियस आइकन्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, वी शैल डिस्कस ईच ऑफ देम इन द कमिंग सेक्शन। यानी कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है डेस्कटॉप और उसके सारे आइकन्स को कंप्राइसिस करती है, तो जो भी उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है ना, उन सभी आइकन्स को या डेस्कटॉप को कैसे कंप्राइज करती है, उसके अब क्या क्या पार्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप है, देखिए ठीक है, तो डेस्कटॉप इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट फॉर ऑल द ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले क्या एलिमेंट है, सबसे जो पहला एलिमेंट होता है वो डेस्कटॉप होता है। इट इज़ द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ विंडोज दैट अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो विंडो दिखती है वो क्या होती है, डेस्कटॉप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगी, बड़े चैप्टर्स हैं तो एक दिन में सिर्फ इतना ही कंटेंट आपके लिए सफिशेंट है, लेकिन इसको करके देखेंगे। और बच्चों अगर आपके यहाँ यू हैव कंप्यूटर्स तो आप जो है ये शॉर्टकट कीज़ को ज़रूर यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, आप एमएस पेंट खोल लो, वहाँ पे भी यूज़ हो जाएंगी, एमएस वर्ड खोल लो, कुछ भी एप्लीकेशन खोल के इनका यूज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके।